की जनता, देश की जनता आज भारतीय जनता पार्टी की त्राही से गुजर रही है। चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे GST का मामला हो, चुप हो जाओ जरा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, जो अत्याचार जनता के ऊपर है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जहाँ तक मैं समझता हूँ मर्यादाएं तोड़ने का काम के विधायक रेप के केस में फंस रहे हैं, दलित बच्चों के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर अत्याचार हो रहा, पूरे दलितों के साथ अत्याचार, पिछड़ों के साथ अत्याचार, तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं आज उत्तर प्रदेश की जनता परेशान है। गठबंधन किस तरह से फायदा, महागठबंधन का फायदा ये लोग बौखला चुके हैं। फूलपुर और इलाहाबाद, गोरखपुर के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग घबरा गए और ये हर बेईमानी, हर हद, हर उस पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता इनके उसके सामने लड़ने के लिए पूरी शान के और पूरे तैयार। मंत्री जी, देखा जा रहा है कि कुछ अभी कुछ दिनों पहले मुस्लिम समाज के लोगों ने और आपकी पार्टी के लोगों ने आपका विरोध किया है। जब किसी घर में कोई बात होती है तो परिवार का मामला होता है और उसको निपटा लिया जाता है। ठीक है सब, बात सब पुतला, किस पार्टी का मामला, पुतला क्या, हम तो अपनी पार्टी का मामला है, हमारा परिवार है, हमारा घर है, सब लोग बैठ करके कुछ होता है, शीट में खत्म हो जाते हैं। किस पार्टी साहब अपनी टक्कर मानते हैं? हमारी टक्कर हम तो मानते नहीं, जब जनता परेशान है तो इंशाल्लाह जनता पूरा का पूरा रिजल्ट सब महागठबंधन को कामयाब बनाकर, महागठबंधन की जीत होगी, बहुत भारी मतों से जीत होगी।